गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ निज ज्योति अकेडमी। टुडे द लास्ट क्लास ऑफ मुगल सल्तनत। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द मुगल सल्तनत। इट कंसिस्ट ऑफ आपका फर्स्ट जनरेशन, इट इज बाबर, सेकेंड इज हुमायूं, थर्ड वन इज आपका हो गया अकबर, फोर्थ वन आपका जहांगीर, फिफ्थ वन आपका शाहजहां, एंड लास्ट वन इज औरंगजेब। फर्स्ट रूलर वाज ऑफ द मुगल सल्तनत वाज बाबर, एंड लास्ट वन वाज द औरंगजेब। ठीक है, इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस द मुगल एडमिन। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का इज कंसिस्ट ऑफ पर्शियन प्लस इंडियन स्टाइल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पर्शियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। सो वी कैन से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन प्लस इंडियन स्टाइल। पर्शियन इज नथिंग बट ईरानियन। ठीक है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। इसमें क्या होता था, अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किंग कंसिडर एज ए गॉड। इट इज रिटन ओवर देयर, किंग कंसिडर एज ए गॉड बिकॉज ही टुक केयर ऑफ द पीपल्स प्रॉब्लम इन दीवाने आम दीवाने खास। दीज आर टू वर्ड्स यूज्ड वेयर दीवाने आम एंड दीवाने खास इज वन टाइप ऑफ प्लेस वेयर किंग यूज टू हियर द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। मीन्स वॉट एवर पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ए दीवाने खास अंडर दीवाने आम में किंग जो है उसकी बातों को सुनते थे। ठीक है, आर्मी वाज द मेन अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। आपका है सेकंड वन है वजीर। वजीर क्या था, सम टर्म वाज गिवन टू एडमिन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। सम टर्म वाज गिवन वजीर। वजीर क्या था, एक तरह से वॉट एवर इनकम मैंने एक्सपेंडिचर रिलेटेड ऑफ दी वो टेक केयर करता था। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स इज टेक केयर बाय दी वजीर। उसको वजीर का पद दिया गया था। ठीक है, मीर बख्शी। मीर बख्शी इज नथिंग बट टेक केयर ऑफ आर्मी। मीन्स आर्मी का जो हेड होता था उसको बोला जाता था मीर बख्शी। ठीक है, वो क्या करता था, टुक केयर ऑफ आर्मी रिलेटेड इशू प्रॉब्लम एनीथिंग। ठीक है, आपका थर्ड वन हो गया चीफ सदर और काजी। चीफ सदर और काजी, ये इसका काम क्या था, रिलेटेड टू चैरिटीज रिलीजियस थिंग्स एंड एडुकेशन। ठीक है, रिलेटेड टू चैरिटी मीन्स सपोज किंग वांट टू गिव सम चैरिटी। ठीक है, चैरिटी एंड रिलीजियस थिंग्स इज डूइंग अंडर द आपका चीफ सदर या वी कैन से काजी। ठीक है, काजी वाज टेक केयर ऑफ आपका चैरिटी हो गया, रिलीजियस हो गया एंड एजुकेशन हो गया। आपका हो गया फोर्थ वन आपका दरोगा। दरोगा आई या डाक चौकी। ठीक है, इसका क्या था, टुक केयर ऑफ द पोस्ट। मीन्स व्हाट एवर पोस्ट इट वाज असाइंड अंडर ऑल दिस थिंग्स, तो दरोगा क्या करता था, उसका देखभाल करता था, उसको टुक केयर करता था। ठीक है, लास्ट वन है दीवाने दीवानी आइटन। मीन्स ये क्या था, रिलेटेड टू जागीर मैटर। मीन्स व्हाट मीन्स रिलेटेड टू आपका लैंड से हो गया है, तो जो भी मैटर होता था उसको रिजॉल्व करने का काम अंडर आपका दीवानी टर्म में किया जाता था। ठीक है, अंडर द आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था, आपका किंगडम को जो है डिवाइड किया गया सुबाज में। मीन्स स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया गया, किंगडम को डिवाइड किया गया सुबाज में। सुबाज का कौन हेड होता था, सूबेदार हेड होता था। अंडर सुबाज अगेन सुबाज को क्या किया, अगेन डिवाइडेड सरकार। ठीक है, सरकार में डिवाइड किया, सरकार को परगना में डिवाइड किया। परगना इज नथिंग बट नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल बिहार। ठीक है, बिहार एक किंगडम हो गया। ठीक, बिहार सुबाज में, सुबाज का मतलब डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपका एक टाउन में कन्वर्ट कर दिया, टाउन के बाद एक सिटी में कन्वर्ट कर दिया, सिटी के बाद अंडर सिटी लॉट्स ऑफ विलेज। ठीक है, तो दिस इज द हायरार्की ऑफ द आपका हो गया मुगल सल्तनत। किंगडम सुबाज, सुबाज अगेन कन्वर्टेड इन सरकार, सरकार पर अगेन परगना, परगना इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ विलेज। अगेन वी विल रिकैप दिस दिस मुगल एडमिन। मुगल एडमिन में क्या होता था, किंग को जो था, किंग वाज कंसिडर्ड एज ए गॉड बिकॉज ही टुक केयर ऑफ द पीपल प्रॉब्लम। वहाँ पर कहा दीवाने आम एंड दीवाने खास में उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता था। सेकेंड वन है क्या, पोस्ट होता था। इन अंडर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज सम पोस्ट वर असाइन टू ईच पर्सन। ठीक है, आपका वजीर, वजीर क्या था, रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर
ही टू केयर अब गंभीर बख्शी क्या है रिलेटेड टू आर्मी चीफ सदर क्या था और काजी वी कैन से चीफ सदर और काजी वो क्या कहता था रिलेटेड टू चैरिटीज आपका रिलीजियस मैटर एजुकेशन मैटर हेल्थ मैटर इज टेकिंग केयर बाय द चीफ सदर ठीक है दरोगा क्या था वो आपका टू केयर ऑफ द पोस्ट करता था दीवाने एक टाइम में क्या होता था रिलेटेड टू जागीर मैटर सो दीज आर द पोस्ट अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज असाइंड ठीक है सो आई थिंक दैट टॉपिक इज ओवर आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम I will continue in next class with question and answer. ठीक है Be happy, enjoy the Republic Day. Thank you. Good morning, dear students. Welcome to online class of Nijyoti Academy. Today is the second class of Rough Industry. In last class, we have discussed what were the condition of pre-British period. ठीक है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ क्राफ्ट बिफोर ब्रिटिश पीरियड ठीक है एंड वी हैव डिस्कस क्राफ्ट सेंटर्स अवेलेबल वाज इन इंडिया ठीक है इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन कंट्री मीन्स टुडे क्लास वी विल डिस्कस वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल टेक्सटाइल इज नथिंग बट आपका क्राफ्ट क्राफ्ट क्या है इट इज ए हैंडमेड गुड्स बाय द स्किल्ड ठीक है टेक्सटाइल का मतलब होता है अपर क्लॉथ टेक्सटाइल वेन इवर यू हैड द नेम टेक्सटाइल इट इज नथिंग बट क्लॉथ ठीक है वेराइटी ऑफ क्लॉथ ठीक है अंडर दिस वन वी विल डिस्कस इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट मीन्स व्हाट वाज द वेराइटी इन व्हाट इज द वेराइटी वाज अवेलेबल इन आपका यूरोपियन कंट्री सो देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल फर्स्ट वन इज मुस्लिन सेकेंड वन इज चिंट थर्ड वन इज कैलिको फोर्थ वन इज पटोला फिफ्थ वन इज बंदना सिक्स वन इज जामदानी सेवन्थ वन इज सीर सकर ठीक है सेवन्थ वन इज गिंगम और उसके बाद लास्ट वन इज नाइन्थ वन इज डूंगराज ठीक है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स इट इज ऑल आर वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल ठीक है ऑल ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल जो आपका अवेलेबल था आपका यूरोपियन मार्केट में ठीक है तो फर्स्ट वन आपका हो गया मुस्लिन मुस्लिन क्या है इट इज नथिंग बट फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ मिस फाइन क्वालिटी मिस गुड क्वालिटी ऑफ आपका जो है कॉटन का दैट इज कॉल्ड मुस्लिन ठीक है ये आपका नेम इज टेकन फ्रॉम द इराक ठीक इराक में क्या होता था ये इसका मार्केट बहुत अच्छा था तो इराक के क्या करते थे किंग जो है दे यूज टू परचेज फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड दे यूज टू सेल इन इराक ठीक है तो मुस्लिन इज नेम इज टेकन फ्रॉम द इराक इट इज नथिंग बट इज ए फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ विच बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ इज नोन एज मुस्लिन वी कैन सी इन बुक्स ऑल्सो पेज नंबर 116 वी कैन सी इन बुक्स ऑल्सो फाइन क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी ऑफ ठीक है चिट्स चिट्स क्या है इट इज ए मल्टी इट इज ए प्रिंटेड मल्टी कलर फ्लावर डिजाइन ठीक है इसमें क्या होता है इन दिस क्लॉथ में होता है प्रिंटेड होता है प्रिंटेड फ्लावर टाइप का डिजाइन होता है व्हाट मीन्स आप क्लॉथ देखे होंगे हैव यू सीन द क्लॉथ उसमें क्या होगा आपका प्रिंटेड होगा ठीक है कुछ भी सपोज ये टेक एन एग्जाम्पल ये आपका क्लॉथ है ठीक है एक क्लॉथ है इसमें कुछ प्रिंटेड है दैट इज अंडर चिन मीन्स प्रिंटेड मल्टी कलर फ्लावर जनरली आपका फ्लावर डिजाइन होता है देन उसी को हम लोग बोलते हैं चिन थर्ड वन है आपका कलिको कलिको क्या है प्लेन वाइट एंड ब्लीस्ड कॉटन फैब्रिक एंड ब्लीस्ड का मतलब हो गया है कि उसमें कुछ केमिकल यूज नहीं किया दैट विल बी हैप्पी ब्लीच करने के बाद क्या होता है वो थीन हो जाता है कपड़ा ठीक है जनरली हैव यू सीन द जीन्स जीन्स में क्या होता है ब्लीच करने के बाद क्या होता है उसका जो कलर होता है वो उड़ जाता है ठीक है पतला हो जाता है प्लेन वाइट एंड ब्लीस्ड कॉटन फैब्रिक इज नोन एज कलिको ठीक है फोर्थ वन है आपका पटोला पटोला क्या है फ्लोरल एंड एनिमल प्रिंट्स इन ब्लॉक्स आपका जो ब्लॉक्स का मतलब हो गया आपका कोई भी कपड़ा का किनारा जो होता है इज एज ऑफ दी आपका क्लॉथ में वहाँ पे डिजाइन होता है क्या का एनिमल एंड फ्लोरल का डिजाइन बना हुआ था उसी को बोलते हैं पटोला ठीक है फिफ्थ वन हो गया बंदना बंदना का मतलब हो गया मंदाना का प्रिंटेड स्कार्फ स्कार्फ का मतलब अब क्या है जो हम लोग दुपट्टा लेडीज लोग
यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं स्कार्फ। तो उसमें क्या होता है, प्रिंटेड मीन्स उसमें कुछ प्रिंट किया हुआ है, तरह तरह का डिजाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बंदना। जनरली यहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान एंड गुजरात, इट इज फेमस फॉर बंदना। ठीक है, सिक्स वन आपका हो गया जामदानी। ठीक है, तो जामदानी क्या है, इट इज ए फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिम। जामदानी इज नथिंग बट इज ए फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिम डेकोरेटेड डिजाइन ओवन। ठीक है, उसमें क्या होता है, इट इज ए नथिंग बट आपका फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिम, बट इसमें क्या होता है, डिजाइन क्या है, डेकोरेटेड क्या होता है। ओनली डिफरेंस बिटवीन जामदानी एंड मुस्लिम, इट इज नथिंग बट इज ए पार्ट ऑफ मुस्लिम, बट इसमें डिजाइन क्या हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जामदानी। बेसिकली इट इज फाइंड इन लखनऊ एंड ढाका। ठीक है, सेवंथ वन वी विल डिस्कस सीरसकर। सीरसकर क्या होता है, वेरी लाइट एंड थिन फैब्रिक, मीन्स बहुत पतला होता है, बहुत पतला, वेरी थिन, वेरी थिन एंड लाइट, इन वेट ऑल्सो वेरी, वेट विल बी वेरी लेस, तो दैट इज कॉल्ड सीरसकर, वेरी लाइट एंड थिन फैब्रिक। ठीक है, आपका एट वन हो गया गिंगहम। गिंगहम क्या हो, कॉटन फैब्रिक इन स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कुछ कपड़ा है, तो क्लॉथ है, सपोज ये क्लॉथ है, ठीक है, ये वाइट क्लॉथ है, इसमें क्या है लाइन, अगर हम रेड का या ब्लैक का ही लाइन बना दिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप्स। ठीक है, तो गिंगहम में यही रहता है, कॉटन फैब्रिक होता है, उसमें स्ट्रिप्स क्या होता है, कोई भी कलर कैन बी एनी वन, कलर कैन बी एनी वन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड गिंगहम। आपका लास्ट वन हो गया डुमराज। ये क्या होता है, क्वेर्स, क्वेर्स वैरायटी ऑफ इंडियन कलिको। ये कलिको का जो है आपका डिफरेंट वैरायटी है, दैट इज कॉल्ड डुमराज। सो टुडे, इन टुडे क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस, वी हैव डिस्कस इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, अंडर दैट वन वी हैव डिस्कस व्हाट वाज द वैरायटी, वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल व्हिच वाज, इट वाज अवेलेबल इन यूरोपियन मार्केट, देयर वाज 9 वैरायटीज व्हिच इट वाज अवेलेबल इन आपका यूरोपियन कंट्री। इट वॉज आपका मुस्लिम था, चिंट था, कैलिको हो गया, फोर्थ वन पटोला हो गया, फिफ्थ वन हो गया बंदना हो गया, सिक्स वन जामदानी, सिक्स वन सेवन्थ वन सीरसकर, एट वन गिंगहम एंड नाइन्थ वन डुमराज। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड, एंड आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रिमेंबर इट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, वी विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्री इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स फॉर टुडे क्लास। ठीक है, बी हैप्पी, बी सेफ एंड एंजॉय द रिपब्लिक डे। थैंक यू।